हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में महात्मा गांधी का विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सन 2021-22 के लिए जीके एनजीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी एंड सभी कोर्स के लिए, सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें और इन क्वेश्चन को रट लें, क्योंकि एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी। संपत पाल देवी बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लक्ष्मी बाई सेना, दूसरा है गुलाबी गैंग, तीसरा है नारी मुक्ति वाहिनी और चौथा है महिला मोर्चा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में एक गैंग चलाया था जिसका नाम है गुलाबी गैंग। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लें, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किस बीमारी को दिमागी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जापानी इंसेफेलाइटिस, दूसरा ऑप्शन है टेटनस, तीसरा है डेंगू और चौथा है रेबीज। तो जो दिमागी बुखार है इसको जापानी इंसेफेलाइटिस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन पहला सही है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कैंडी क्रश सागा, टेंपल रन और फ्रूट निंजा किसके प्रकार हैं। तो जो भी लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो समझ गए होंगे। तो ये गेम्स हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कैंडी क्रश और टेंपल रन, फ्रूट निंजा, ये सब गेम्स हैं, ऑप्शन सी सही है। चौथा क्वेश्चन है, फिल्म हीरोपंथी से फिल्मों में बतौर नायक कदम रखने वाले टाइगर किस अभिनेता के बेटे हैं। हीरोपंथी में नायक जो बने हैं टाइगर किस अभिनेता के बेटे हैं। ऑप्शन है सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सनी देओल या फिर अनिल कपूर। तो इसका राइट आंसर है कि जैकी श्रॉफ, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है। कौन सा पद एक निर्वाचित पद है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति, यह एक निर्वाचित पद है। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्र है जो महाभारत में भी नज़र आते हैं। ऑप्शन है हनुमान, वेदव्यास, दशरथ या फिर दुर्योधन। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला हनुमान। जो हनुमान है रामायण के मुख्य पात्र हैं जो महाभारत में भी नज़र आते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। ऑप्शन है टाइटन, जुपिटर, सन या फिर अल्फा सेंटोरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सौरमंडल में। आठवां क्वेश्चन है कि दागा और तेजा किस फिल्मी विलेन के चेहरे थे। दागा और तेजा किस फिल्मी विलेन के चेहरे थे। ऑप्शन है मगेम्बो, गब्बर सिंह, कांचा चीना या फिर साकाल। तो इसका राइट आंसर है मकैम्बो, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नौ नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसके एक महीने का नाम है। तो आषाढ़, नक्षत्र, द्वादश या फिर पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर है आषाढ़, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको पता होगा। दस नंबर क्वेश्चन है कि वीड़ा पाड़ी किस देवी का एक और नाम है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी को पता भी होता है। तो इसका राइट आंसर है सरस्वती, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल, कौन सा खेल चार दीवारों से घिरे कोर्ट में खेला जाता है। चार दीवारों से घिरे कोर्ट में कौन सा खेल खेला जाता है। ऑप्शन है बोल्स, स्नूकर, स्क्वैश या फिर लैक्रोस। तो इसका राइट आंसर है स्क्वेयर्स, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
कौन से सुपरस्टार मुंबई में मन्नत नामक बंगले में रहते हैं? मुंबई में मन्नत नामक बंगले में रहते हैं कौन से सुपरस्टार? ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, अभिषेक बच्चन या फिर शाहरुख खान। तो इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान मुंबई में मन्नत नामक बंगले में रहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियाँ हैं? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो टोटल राशियाँ 12 हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हैंडरसन बुक्स भगत रिपोर्ट का विषय क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत चीन युद्ध 1962। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो सरसों, धान, चना या फिर गेहूँ, खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान। धान जो है ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑप्शन है पर्दा है पर्दा, ऑप्शन बी है दरवाज़ा बंद, ऑप्शन सी है खुली सोच, ऑप्शन डी ना तुम हमें देखो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दरवाज़ा बंद। क्या है? दरवाज़ा बंद। तो ये एक शुरू किया गया था भारत सरकार की ओर से, एक अभियान शुरू किया गया था जिसे शौचालय को बढ़ावा दिया जा सके, दरवाज़ा बंद। लास्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दोहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, इसमें सुमिरन का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सुमिरन का जो अर्थ है तो ये है याद करना, याद करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या बिना सिर के एक सप्ताह या इससे ज़्यादा दिनों तक भी जीवित रह सकता है? बिना सिर के एक या एक से ज़्यादा सप्ताह तक जीवित रह सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? मतलब मकड़ी, तिलचट्टा, छिपकली या फिर कैटरपिलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलचट्टा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, तिलचट्टा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कवि के द्वारा लिखित एक कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, गौतम, कृपाचार्य, भारद्वाज या फिर परशुराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परशुराम। मतलब जो भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य थे ये सब परशुराम के गुरु के शिष्य थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर, इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके लोकप्रिय बनाया, तो कौन से नेता थे? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसे। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि जो 8वीं अनुसूची थी ये भाषा से संबंधित थी। बहुत ही अच्छे से इसे याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, तब ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भाषा ही सूची थी और किस भाषा को शामिल किया गया ये पूछ रहा है, तो ब्रज भाषा, अवधी, डोंगरी या फिर भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर है डोगरी, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से मशहूर हैं? कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा महाजन, इन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत किस आंदोलन का एक कारण बना था? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, रॉलेट सत्याग्रह,
स्वदेशी आंदोलन या फिर 1857 की क्रांति? तो इसका राइट आंसर है 1857 की क्रांति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत का सिद्धांत, ये 1857 का विद्रोह का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है? ऑप्शन है एस्टन मार्टिन, लैंड रोवर, रोल्स रॉयल या फिर बेंटले। तो इसका राइट आंसर है लैंड रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, इनमें से किस फिल्म डायरेक्टर के संस्मरण का नाम एन अनसूटेबल बॉय है? ऑप्शन है शेखर कपूर, करण जौहर, डेविड धवन या फिर रोहित शेट्टी। तो इसका राइट आंसर है करण जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उस घेरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा? तो किस पर्यटक स्थल का नाम 5 पहाड़ियों के घेरे होने के कारण से पड़ा है? ऑप्शन है पणजी, पंचगनी, पुदुचेरी या फिर पुरी। तो इसका राइट आंसर है पंचगनी, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के मानसिक विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को इनमें से क्या पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? गर्भवती महिलाओं को क्या पर्याप्त मात्रा में सलाह लेने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन है बी विटामिन सी, आयोडीन, विटामिन डी या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि रडयार्ड किपलिंग की द बुक है द जंगल बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द जंगल बुक किसकी रचना है? तो यह है रडयार्ड किपलिंग की, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। इसमें किस प्रकार का सांप होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है करैत, अजगर, वाइपर या फिर कोबरा। तो द जंगल बुक में कौन सा सांप होता है? तो इसका राइट आंसर है अजगर, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है, अजगर नाम का सांप होता है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।